नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन साहू। द बायोग्राफी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक और अपनी सुरीली आवाज़ के लिए पहचान जाने वाली फेमस सिंगर नेहा कक्कर के बारे में। अपनी आवाज़ का जादू चलाने वाली नेहा कक्कर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में गाना गा चुके हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाज आप उनकी फैन फॉलोइंग को देखकर लगा सकते हो। वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए गए इंडियन सिंगर्स हैं, जहां उन्हें 43 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। हालांकि आज के इन दिनों इतनी पॉपुलर होने वाली नेहा कक्कर ने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटी लेवल से करी थी। शुरुआत दिनों में उन्हें भजन और आरती गाते हुए देखा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, नेहा कक्कर की पूरी लाइफस्टाइल बात करते हैं। कैसे एक आम लड़की ना केवल लोगों के बल्कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ किया। तो चलिए दोस्तों, नेहा कक्कर की पूरी लाइफस्टाइल बात करते हैं। नेहा कक्कर का जन्म 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ। उनके पिता का नाम जयनारायण कक्कर और माँ का नाम नीति कक्कर है और साथ ही एक बहन सोनू कक्कर और भाई टोनी कक्कर भी है। नेहा कक्कर के पति का नाम रोहनप्रीत सिंह, जो एक पंजाबी सिंगर हैं। बचपन में ही नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और वहाँ उन्होंने न्यूवली पब्लिक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। म्यूजिक से प्रेम उन्हें बचपन से ही हो गया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने भजन और आरती गाना शुरू कर दिया और आगे चलकर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी आवाज़ और भी सुरीला होता गया। और जब उन्होंने 11th क्लास में थे, तब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि उस शो जीतने में सफल नहीं रही। इंडियन आइडल ख़त्म होने के बाद लोग नेहा कक्कर को पहचानने लगे थे। हालांकि उनके जीवन में अभी तक वो सफलता नहीं आई थी जिसे वो हकदार थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, नेहा कक्कर अपनी गायकी पर काम करती गई और फिर आगे चलकर 2008 में उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्होंने उनकी सोलो एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च की और ये एल्बम नेहा के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा और उनकी गाना म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ किया। 2008 में जो जीता वो सुपरस्टार रियलिटी शो में एज ए चैलेंजर पार्टिसिपेट किया और आगे चलकर 2009 में ब्लू मूवी की थीम सॉन्ग गाने का मौका मिला और साथ ही उसी साल ना अन्ना इस देश लाडो इंडियन टीवी शो के लिए टाइटल ट्रैक भी किया। दोस्तों, अभी तक नेहा कक्कर को मौका तो बहुत मिल रही थी, लेकिन वो सब उनकी काबिलियत हिसाब से काफ़ी कम था और नेहा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती गई और फिर 2011 में मिस पूजा के साथ कॉकटेल मूवी का सेकेंड हैंड जवानी गाना गाया और इस गाने का पॉपुलरिटी नेहा की आवाज़ को लोगों के दिल में बसा दिया। और फिर अगले साल 2013 में हनी सिंह के साथ आर्या मूवी में ब्लू है पानी पानी गाना गया, जो कि नेहा कक्कर कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, इसके बाद नेहा कक्कर बहुत सारी गाना गा चुके हैं, जिसके अगर मैं आपको एक एक कर बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, नेहा कक्कर की गाया हुआ गाना मिले हो तुम हमको यूट्यूब पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है। दोस्तों, अगर आपको नेहा कक्कर का बायोग्राफी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और किसी सिंगर का बायोग्राफी चाहते हो कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।